अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा है मोहम्मद याहिया। इसनों पैदाइशी तौर पर पखाने का मसला है सी। इसनों फिर असी मुकामी हॉस्पिटल ले गए, उन्हें इसका स्टोमा बना दिता। तो कह गए असी 3 माह बाद इसनों दोबारा क्लोज कर देंगे। 3 माह बाद जो असी गए तो उन्हें फिर टाइम टू टाइम देना शुरू कर दिता। बाद असी काफ़ी दफ़ा गए लेकिन टाइम नहीं सी मिल रहा। चार पाँच साल तो असी जा रहे से। प्राइवेट हॉस्पिटल असी अफोर्ड नहीं सी कर सकते क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा दस रहे हैं। एक तो उसके थ्रू इस इदारे का पता चल रहा ट्रांसपेरेंट साइंस का। फिर असी इन्होंने रबता किया, इतने लाहौर आए, लाहौर के अंदर आके फिर इन्होंने कागजात अपने इन्होंने मतलब अपने कागजात देते। उस बाद इन्हें कहा कि असी थोड़े इतने फ्री इलाज करावे। फिर इन्हें अकरम मेडिकल कंपलैक्स के अंदर सन टाइम लैके दिता। उस बाद इतने साढ़ा हम ऑपरेट होया, स्टोमा क्लोज किया गया। क्लोज करने तो बाद माशाल्लाह मेरे बेटे ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर सन सैपरेट रूम मिल रहे, इसके अंदर वो कोई भी चार्जेस नहीं है, सारा फ्री इलाज किया गया है। मेडिसन सारी फ्री है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया है। तो मैं इस इदारे के फंडर का जो लोग इस फंड कर रहे हैं उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करदा। अल्लाह पाक इन्हां नूं तौफीक दे, अल्लाह पाक इन्हां दी नेकी कबूल करे ताकि साढ़े जैसे गरीब लोगों का इलाज इस तरह मुसलसल हो सके।